हाय स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनपीएस लाइव में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। स्टूडेंट, मेमोरी के विषय में आप पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे कि मेमोरी का काम क्या है। मेमोरी का काम क्या है? कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करना। कंप्यूटर का डाटा मेमोरी में डाटा को कैसे स्टोर करता है? किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए कहीं पे भी उसकी यूनिट की जरूरत होती है कि मेमोरी की यूनिट क्या हो, यूनिट के अनुसार कितना डाटा कहाँ पे स्टोर है। तो कंप्यूटर, आप जानते हो, कंप्यूटर केवल दो चीज़ों को समझता है, एक जीरो और दूसरा वन। जीरो और वन के अलावा कंप्यूटर तीसरी लैंग्वेज को नहीं समझता है। हम जितने भी कमांड देंगे वो केवल सारे कमांड को चेंज करके केवल जीरो और वन में ही कन्वर्ट करके अपने मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है। कहीं गलती से कंप्यूटर जीरो और वन के बजाय अगर तीसरी संख्या समझने लगे तो समझिए, इमेजिन करिए कितना डाटा स्टोर कर सकता है। केवल जीरो और वन को समझकर कंप्यूटर इतने सारे डेटा स्टोर करता है कि हम उसके मेमोरी को भर नहीं पाते पूरी तरह से। और जब कहीं जीरो और वन के अलावा तीसरी संख्या समझने लगेगा तब सोचिए कितना डेटा स्टोर कर सकता है या कंप्यूटर कितना समझ सकता है। तो हम देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट में कंप्यूटर की क्या क्या मेमोरी हैं, क्या क्या यूनिट्स उसकी हैं। हम सुने होंगे KB, MB, GB, बिट, बाइट एक्सेट्रा। आज क्या होता है ये, इनका मतलब क्या है, इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे से, वो आज हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, कंप्यूटर केवल दो चीजों को समझता है, वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? जीरो और वन। जीरो और वन क्या है, हम तो बता दिए कि जीरो और वन कंप्यूटर समझता है। तो जीरो और वन हमारा है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज कौन से दो कोड हैं? जीरो या वन। कंप्यूटर हमारे इन्हीं दो डिजिट्स में हमारे डेटा को स्टोर करता है। तो जीरो और वन इक्वल्स टू होता है 1 बिट। क्या होता है? 0 या 1 इक्वल टू 1 बिट। अब हमारा 1 बिट का जो डेटा होगा वो 0 या 1 के ही फॉर्मेट में होगा, और 4 बिट इक्वल्स टू होता है 1 निबल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है निबल। व्हाट इज निबल? निबल क्या है? निबल इज इक्वल टू 4 बिट और 1 बिट इक्वल टू 0 और 1। 1 निबल। अगर पूछा जाए आपसे 1 निबल मींस क्या होता है, 1 निबल मींस 4 बिट। और पूछा जाए 1 बिट इक्वल क्या होता है, तो 1 या 0। और ऐसे बिट, यहाँ पे 4 बिट है, ऐसे 8 बिट, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। अब यहां देखते हैं, यहां पे बिट और बाइट। अब आपको देखना है कि डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट, बिट और बाइट में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 बिट इक्वल टू 0 और 1। तो बाइट और ऐसे ऐसे 2 की पावर 10, ऐसे ऐसे 2 की पावर 10 बाइट, 2 की पावर 10 बाइट इक्वल टू 2 की पावर 10 बाइट क्या होता है? 2 की पावर 10 बाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट।
2 की पावर 10 इक्वल्स टू क्या होता है 1024 बाय आई इक्वल टू 1 किलोबाइट को हम 60 में लिखते हैं केबी। स्टूडेंट यहां आपको बिट और बाइट, बिट को हम स्मॉल बी में रिप्रेजेंट करते हैं और बाइट को हम कैपिटल बी में रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे कैपिटल बी आपको मिलेगा वहां आप पढ़ेंगे बाइट, और जहां पे स्मॉल बी मिलेगा वहां पे पढ़ेंगे बिट। जैसे इफ राइट KBPS यहाँ पे होगा किलो बाइट पर सेकेंड, अगर लिखा हो KBPS तो यहाँ होगा किलो बिट प्रति पर सेकेंड, नॉट किलो बाइट पर सेकेंड। तो डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट, कैपिटल B इज बाइट एंड स्मॉल b इज बिट। ओके तो यहां पे कितना हुआ 1 KB 1024 KB 1024 KB इज इक्वल टू होता है 1 MB 1 MB का शॉर्ट नेम है MB 1 MB 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB एंड MB। अब आपसे पूछा जाए 1 MB में कितने KB होते हैं, तो 1 MB में 1024 KB, तो 1024 MB मेगाबाइट इसको टू 1 GB क्या कहते हैं GB 1024 GB इसको टू 1 TB क्या होता है 1 TB 1 TB को लिखते हैं 1 TB। अब इतना तो हम अपने पर्सनल कंप्यूटर में मेमोरी को यूज करते हैं, लेकिन ये मेमोरी की सीरीज यहीं पे नहीं खत्म होती है, इससे आगे भी है जो हमारे पर्सनल यूज से बाहर होती है, उस मेमोरी को हम रिसर्च के यूज में लेते हैं, साइंटिफिक मेमोरी कह सकते हैं उसको। वो होता है 1024 TB 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB 1 PB 1 PB को लिखते हैं 1 TB 1024 TB इज इक्वल टू 1 EB इसको लिखते हैं EB 1024 PB इज इक्वल टू 1 EB 1024 EB EB इज इक्वल टू 1 ZB इसको लिखते हैं ZB क्या लिखते हैं ZB 1
जेटा बाइट इज इक्वल टू 1024 एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। अब यहां पे 1024 जेटा बाइट इज इक्वल टू 1 योटा बाइट। योटा बाइट को क्या लिखते हैं? वाई बी। तो स्टूडेंट, कंप्यूटर हमारे मेमोरी, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में हमारे डेटा को इसी यूनिट्स में स्टोर करता है, जीरो और वन में वो अपने आंकड़ा को, डेटा को स्टोर करता है, उसमें समझता है, इसको समझता है। इतने को मिला के वन बिट होता है, वन बिट ऐसे ऐसे फोर बिट को मिला के वन निबल होता है, और ऐसे ऐसे एट बिट को मिलाकर वन बाइट होता है। डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट, तो बिट रिप्रेजेंट स्मॉल बी एंड बाइट रिप्रेजेंट कैपिटल बी। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, के बी 1024 के बी इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट रिप्रेजेंट कैपिटल एम बी। 1024 एम बी इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। दिस मेमोरी इज यूज टू पर्सनल कंप्यूटर्स एंड दिस मेमोरी इज यूज टू साइंटिफिक एंड रिसर्च मेमोरी। 1024 टीबी इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 यूटाबाइट। तो स्टूडेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में आज हम सिर्फ मेमोरी के मैनेजमेंट, उनके यूनिट्स के बारे में पढ़े हैं कि कंप्यूटर हमारे डेटा को किस यूनिट्स में स्टोर करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी के बारे में आपको बताएंगे कि मेमोरी आर्किटेक्चर क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन परमानेंट मेमोरी है, कौन टेम्परेरी मेमोरी है, कौन वोलाटाइल मेमोरी है, कौन नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो इस वीडियो में सिर्फ आज हम इतना देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी आर्किटेक्चर देखेंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।